क्वेश्चन, एक समभुज की समभुज त्रिभुज के एक आंतरिक बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब खींचे जाते हैं, तीनों लंबों की लंबाई कितनी है? तीनों लंबों की लंबाई का योग जो टोटल है वो एस है। फिर आपको क्या बताना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी समबाहु समबाहु त्रिभुज है। समभुज का मतलब भी होता क्या होता है? सम का मतलब समान, भुज का मतलब भुजा, क्योंकि सभी भुजाएं समान हो, यानी समबाहु त्रिभुज ही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके अंदर इंटीरियर पॉइंट है एक, और इस इंटीरियर पॉइंट से तीनों ही जो साइड है उस पर परपेंडिकुलर खींचा जाता है, लंब खींचा जाता है। और तीनों ही जो परपेंडिकुलर है उन तीनों का टोटल जो है वो कितना है? एस है। तीनों का टोटल करने पर क्या आता है? एस। इसका मतलब क्या होगा? जो अंदर वाले जो तीनों परपेंडिकुलर और एक्स वाई जेड वो किसके बराबर दे रखे हैं? एस के बराबर दे रखे। तो ये आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। आपको क्या याद करना था? इसका ऐसे ट्रायंगल का एरिया याद करना था। ऐसे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/√3, जो अंदर दे रखे होते हैं एक्स वाई जेड, ये तीनों का स्क्वायर कर देना होता है। जोड़ के क्या कर देना होता है? स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी? एस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एस स्क्वायर। तो हमारे पास में इसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है? एरिया का मतलब 1/√3 से मल्टीप्लाई करना। तो 1/√3 एस स्क्वायर जो होगा क्या हो जाएगा? इसका एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/√3 एस स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको कुल मिला क्या याद करना है? ये इसका अगर फॉर्मूला दिमाग में है, फॉर्मूला होता है 1/√3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों जो अंदर वाली साइड होती है उनका जोड़ करके स्क्वायर करना होता है। अंदर को पहले इसने जोड़ करके तो अपना वैसे दे दिया, अपने को क्या करना है? स्क्वायर करना। जोड़ के वैसे दे दिया, इसका स्क्वायर कर देंगे तो तीनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? एस स्क्वायर। और एरिया 1/√3 तो होता ही है, एरिया का मतलब 1/√3 से मल्टीप्लाई करना और एस स्क्वायर साथ में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा।